हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पीएचपी फॉर लूप के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो पे हम डिस्कस किया था व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप के बारे में। इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पीएचपी फॉर लूप के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, द फॉर लूप इज यूज व्हेन यू नाउ इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सिंटैक्स, फॉर देन इनिशियलाइज काउंटर, उसके बाद कंडीशन, टेस्ट काउंटर, लास्ट में इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, इनिशियलाइज में क्या होता है कि इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू, देन कंडीशन, टेस्ट काउंटर, evaluated for each loop iteration if it evaluates to true, condition में, then increment the loop continue if it evaluates to false the loop ends। for loop का इस्तेमाल तब तक होता है जब तक किसी condition का satisfaction नहीं होता है, तब तक for loop का statement repeat होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए इस example को, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। देखिए, इनिशियलाइज वैल्यू यहाँ पे जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो है, उसके बाद कंडीशन डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टेन, थर्ड में इंक्रीमेंट। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होता है कि वैल्यू जीरो है, दूसरा क्या होता है कि कब तक चलाना है, ठीक है कंडीशन, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट, इनिशियलाइज, उसके बाद कंडीशन, लास्ट में इंक्रीमेंट, उसके बाद ओके। ठीक है, देखिए डॉलर एक्स इक्वल जीरो, इनिशियलाइज द लूप काउंटर डॉलर एक्स एंड सेट द स्टार्ट वैल्यू टू जीरो। सेकेंड पॉइंट में देखिए, डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टेन, कंटिन्यू द लूप एज लॉन्ग एज डॉलर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टेन। लास्ट में इंक्रीमेंट, इंक्रीज द लूप काउंटर वैल्यू बाय वन फॉर ईच इटरेशन। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहा है इंक्रीमेंट के लिए। तो चलिए अभी हम कोड एडिटर पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक्चुअली फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। देखिए फॉर लूप का, देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि पहले फॉर, उसके बाद इनिशियलाइज, देन कंडीशन, थर्ड में इंक्रीमेंट, बस इतना ही, उसके बाद इको और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे हम डॉलर आई इक्वल जीरो किया, देन डॉलर आई लेस देन इक्वल टेन किया, उसके बाद डॉलर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस इको, किसको इको करेंगे, डॉलर आई को इको करेंगे, दिस नंबर इज डॉलर आई, यहां पे मैं बी आर टैग ऐड कर लेता हूं ताकि लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। php start, php end, for, then initialize, condition, increment, बस इतना ही for loop में। save, refresh, देखिए 0 से 10 तक, अगर आप initialize value को चेंज करेंगे तो 5 करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा,
देखिए यहाँ पे 5 रुपये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे 100 कर देंगे कंडीशन को, इनिशियलाइज वैल्यू 0 करेंगे, तो अभी क्या होगा कि 0 से 100 तक प्रिंट होगा। देखिए थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे।